लास्ट टाइम तो हुआ नहीं हमारा काम उससे कुछ सैटिस्फैक्ट्री। क्या 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 हो क्या मैं खोल रही हूँ। गया आज तो लैपटॉप गया। लास्ट टाइम तो बिल्कुल सैटिस्फैक्ट्री नहीं था कि हमारा पीसी ऐसे गर्म हो रहा है। तो इट वॉजन लाइक कि भाई गर्म मतलब ऐसे मन सेटिस्फाइड नहीं था कि भाई हो जाएगा मतलब काम हो रहा है। फिर भी उसी स्लो उसी रेंडरिंग वही टाइम लग रहा है वही प्रॉब्लम आ रहा है। तो फिर मैंने लास्ट ऑप्शन है दैट इज लास्ट ऑप्शन तो प्रोसेस को प्रोसेसर जीपीयू अपग्रेड करना वो तो इस लैपटॉप में नहीं कर सकते। तो इसका इस लैपटॉप का लास्ट ऑप्शन जो है इट इज पुटिंग दिस हीट थर्मल गाइस। सो दिस लैपटॉप इज मोर देन 4.5 ईयर्स ओल्ड एंड इसका वारंटी खत्म हो गया। तो अभी ना हम हीट सिंक निकाल के लगाएंगे थर्मल पेस्ट। सो ये थर्मल पेस्ट हमने अमेजोन से लिया आपको मिल जाएगा इसका डिस्क्रिप्शन नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। सॉरी एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे ये एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं हीटिंग होता है या नहीं होता है। ओरे बाप रे अरे क्या कर रहे हैं गाइस। ये कितने लगा 500 रुपये ना 500-550 कुछ लगा है। सो 4 ग्राम्स का आता है इट इज MX4 थर्मल कंपाउंड। हां बस वो निकल गया बस क्या तुम सब ये नहीं निकाला निकाला ओके ओ इतना जल्दी देख लो कितना मिट्टी आ गया देख लो ये सब ये तो आएगा ओके। सो फर्स्ट थिंग वो कहां पे हो ट्वीजर्स कहां पे इसको ऐसे ही निकाल सकते नहीं 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 वो टच नहीं करना है सर्किट बोर्ड को टच नहीं करना। अरे हाथ से हो जाए नेल नहीं है मैं करती हूं इसको मैं निकाल के हो गया ये हो गया ये स्क्रू खोलो अब स्क्रू खोलो यहाँ से दो जन करेंगे जल्दी जल्दी हो जाएगा। नया अरे वाह रे वाह 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 क्या है नया एक कटोरी लेके आ। अरे बाबा अरे मैं खोल रही हूं ऐसे ऐसे रुको और एक निकालो मुझे एक और एक नहीं निकालना कौन सा नहीं निकालना सब निकालना अभी स्क्रू हीट सिंक निकालना है ना रेडी कर रहे ना तब लेट्स सी परफॉर्मेंस। हाँ नया 1-2 लेके आना है पर आई गेस वो है एक काफी है वो एक है ना स्टार दो इससे नहीं हो रहा होगा वो अलग अभी हो गया फुल खुलना इसको निकालते हैं एक बार में सारे काम कितनी बार मुझे क्या पता था हीट सिंक। अरे यार कहाँ गया वो पीस। हाँ इस पीस को बस ऐसे ही रखना है वो साइड में रखना ऐसे रखना इसको लगा दूं क्या गम है नहीं नहीं कुछ नहीं करना मेरे पास वो छोटा वाला पीस भी है नहीं ना कुछ नहीं करना बस अभी 1-2-3-4 फैन तो निकाल दो फैन क्लीन कर देना दोबारा ये तो जब भी खोलेंगे तब क्लीन करना। हाँ इनको क्या है इनको बस मस्त क्लीन करना है क्लीन करके दो। मिट्टी देखा आपने सी अभी मिट्टी आएगा इसमें देखना तू इतना जल्दी मिट्टी आ जाता है इसमें। ओके अभी हो गया ये अभी हीट सिंक हाँ ये निकालना हो गया पावर निकल गया अभी इसको खोलते हैं ये नहीं काम आएगा ये तो यहाँ पे क्लीन मत करो इसमें उड़ेगा डस्ट क्लीन ही नहीं है क्लीन ही है अभी तो क्लीन किया दो दिन 1-2 इतने स्क्रू आते हैं हीट सिंक को पकड़ने के लिए जगह में ओ 1-2 लेके आओ माँ किधर है वहाँ पे रहेगा। रैम अपग्रेड करने से कोई फर्क नहीं पड़ा हमें एक्चुअली रैम तो हमारा वेस्ट ही है कितना लगा था रैम का कुछ 4000 लगा था आई गेस रैम अपग्रेड करके मजा नहीं आया नहीं एक तो 2500 और एक 2500 अराउंड 4-5 कुछ गया है रैम अपग्रेड करके एक्चुअली देयर वाज नो यूज तो पुराना रैम पुराना रैम तो ऊपर ही पड़ा है क्या गया नीचे मुझे मत तुझे कंप्यूटर के बारे में आता है मुझे क्या खोलना भी आता है बंद करना भी आता है उसके खोलना बंद करना सबको आता है। अच्छा खोल के बता एक्सेसरीज पार्ट्स को सब खोल के बताना। मैं बता रही हूँ ना मैं ही कर रही थी ये बीच में आ गया। अच्छा इसमें मदरबोर्ड कौन सा है अच्छा ये खोलना और एक भूल ही गया मदरबोर्ड कौन सा है बताना इतना तो मुझे नहीं मालूम तो फिर खोल के बंद करना सब वो सब कुछ माँ पूरा ये मदरबोर्ड ही ये क्या मजाक कर रहे हैं नहीं मुझे नहीं पता क्या करेक्ट चीज तो मालूम नहीं है ये मैं लेके आई हूँ दोनों क्या है वो दोनों बोल तो सही रैम लो 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 रैम कुछ है क्या रैम कुछ है वो ये इतना है मुझे नहीं पता लो 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 खोल के जो जहाँ पे है वहाँ पे दूसरा आइटम लगा सकते ये पक्का है इतना मैं कर सकती ना रो हाँ माँ कर सकती मुझे इस लैपटॉप के बारे में कुछ भी पता नहीं है लेकिन मैं इसको खोल को वापस फिट कर सकती हूँ ये पक्का कॉन्फिडेंट निकल गया इस लैपटॉप के कोई पार्ट का नाम पता नहीं
लेकिन ये जैसा है वैसा मैं फिट कर सकती हूँ। वो तो मुझे भी पता, माँ कर सकती है करके। लेकिन काम नहीं करेगा वो, मुझे पता है। वो 100% काम करेगा। मैं कितना किया, वॉशिंग मशीन को किया, एसी को। ठीक है लाओ माँ, अभी अभी मेन काम है, लेके आओ। रोहन करता है, पहले मैं ही करती थी। 1-2 लेके आओ, 1-2 लेके आ गई ना। ये वेट वाइप बड़ा हो गया, वो मुझे देख देख के सीख गया, अभी वही करता है। मैं सब छोड़ दूं, वेट वाइप को लेके। ये जीपीयू एनवीडिया को एकदम साफ कर, से पूरा पेस्ट निकल गया। इसको पूरा क्लीन करना है, उसके बाद पेस्ट लगाना है फ्रेश। ये थर्मल, ये निकाल देते हैं। ए रुको रुको रुको, हाथ से निकाल दो। इस पे चला जाए ऐसे कैसे? मैं नेल बड़े हैं, हर चीज का नाम जरूरी नहीं है, लेकिन पार्ट्स तो मुझे पता है। एक किधर लगाना है, एक कहां पे लगाना है, वो देख। हो गया सीपीयू क्लीन। हीट ब्लॉक नहीं करेगा, क्लीन कर दो ये वाला। हाँ वो भी करना है, अल्कोहल से। क्या करना है ये वाला? वो भी करना है। रुको, गीला ही नहीं है। हाँ वो उतना ना गीला होगा, इससे कर सकते है। रुको माँ, कल बनाए वो नहीं बनाए वीडियो, जो निकाल लो कहीं मंठानी ना वो। आपको कुछ पता तो बोलिए प्लीज, निकाल रहा है कुछ कुछ निकाल रहा है, पता नहीं उसको निकालने क्या नहीं निकालना। तुझे पता है क्या? नहीं पता है, नहीं पता है। ये ऐसे यहाँ से ऐसे क्लीन करना है क्या? नहीं पता है, पर वो गम्मी है वो पता है, इसलिए निकाल। तो गम्मी दिख रहा है, वो स्प्रेड होके साइड में। हाँ वही ना, वही होगा ना। इधर ब्लो मत कर, पूरा इधर किधर चला जाएगा। इसको भी साफ कर दे बस, से ना इतना क्लीन। साइड में निकालू कि नहीं निकाल? निकालना वो पूरा पूरा क्लीन करना, वो ऊपर रखो। ये अदर साइड पे है, उस उधर भी पे दबा के करो अच्छे से। पहले एक बार वेट हो गया, पहले ऐसे एक बार कैसे पोछा लगा। हो गया सीपीयू क्लीन, ये हो गया हमारा जीपीयू भी क्लीन। अच्छा ये जीपीयू सीपीयू है? यस दिस इज सीपीयू, दिस इज जीपीयू। सच्चे दिस इज कैसे पता हो? जीपीयू फैन सीपीयू फैन, तुझे पता है इतना क्योंकि तू पढ़ा है। मैंने थोड़ी पढ़ाई की, इसके लिए पढ़े जरूरत नहीं है। दो वीडियो YouTube पर देख लेना, सब सीख लेते हैं। वो तो बात है, इसके लिए पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। सबके लिए बिना पढ़े ये काम पूरा कर सकते हैं। हां मैं तो पढ़ी नहीं तो भी मैं भी कर सकती हूं। पहले एक्सपीरियंस चाहिए। नाम तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं इसको खोल के। हो गया एमएस, हो गया। अभी मेन काम, अभी इसको पेस्ट लगाना है। फेस लगाना ही सबसे बड़ी मुश्किल बात है। सेंटर पे डॉट लगाना है। ये क्लीन हो गया। हाँ सेंटर पे डॉट नहीं लगाना है। आई सॉ इसमें क्रॉस लगाना है, इसमें डॉट लगाना है। नहीं नहीं तो डॉट ही लगा काफी है। नहीं वो जैसा देखा वैसा ही। ये देखो गाइस इंजेक्शन डालेंगे अभी। इंजेक्शन कितना ग्राम के है? 4 ग्राम। 4 ग्राम पूरा खत्म हो जाता है? मुझे नहीं लगता 4 ग्राम खत्म होगा पूरा। तो फिर 2 ग्राम ही ले सकते हैं ना, 4 ग्राम क्यों लिए? इसका कितना लगा? 500। ये एक्स्ट्रा है ना, ये वेस्ट है कि ऐसे आता लगा? सेंटर पे लगा, क्यों बाहर लगा रहा है तू? ऐसा लगा है देखा? बस है, हो गया हो गया ना बस, हो गया काफी। इसके लिए हमने इतना ऑर्डर किया हुआ। नहीं और तो डाल दूं? नहीं यही स्प्रेड होगा, बस कर मत लगा। थोड़ा डाल देता हूँ। नहीं उसके बाहर नहीं आना है एक्चुअली वो। बस नहीं इसमें, इसमें नहीं डालना चाहिए। वन साइड चिपकाएगा ना तो वो हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा डाला है तू एक्चुअली। बस एक ही ड्रॉप डालना है बस। ठीक है थोड़ा डाल दिया मैंने अभी। ये पहले बंद करो आप, अभी इसको ही फिट करना है। कैसे फिट करना है? हीट सिंक। यस दिस इज द हीट सिंक। कैसे ऐसे तो आएगा? नहीं 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 उल्टा डल रहा है, ऐसा है फैन बाहर आएगा। ये सब क्लीन ही नहीं किया आपने? ये तो लास्ट टाइम किया ना, तो ये सूख जाएगा कभी? ये नहीं सूखता इतना जल्दी। ओके ऐसे आएगा ना? नहीं मुझे लग रहा है कम है। ये लगा लूँ पक्का? हाँ ठीक है मैं लगा रहा हूँ, मैं सुन के आपकी बात। अब निकाल रखी हूँ फिर से, देख रहा हूँ ना पूरा। वो फैल जाएगा, वो हीट से फैल जाएगा, छोड़ दे उसको। कम लग रहा मुझे यो, बराबर है काफी है, तू रख। नहीं कम लग रहा मुझे इसमें, ए काफी है, मैं रख बोल रहा हूँ ना, ज्यादा नहीं लगाना है थोड़ा। बंद कर उसको, जितना लगा बोले स्प्रेड हो जाएगा, बंद कर बस। नहीं तो और वापस खोल के वापस। नहीं ऐसे नहीं होता, चलो टाइट कर देते हैं। डाल तो दिया हमने हीट पे। 1, 2, 2, 3 कम है, नहीं लग रहा है। कौन सा? यस दिस इज थर्मल कॉम्पाउंड। ए क्या दबा ली ना? 4 ग्राम यूज नहीं हुआ। इसका अगर आपको भी लगाना है, आपके लैपटॉप हीट बहुत हो रहा है, तो एक बार लगा के उसको पहले क्लीन करना है, उसके बाद इसको लगाना है। तो लगा के आप देखिए तो हीट कंट्रोल हो जाता है, एंड आपका कंप्यूटर भी चलता है, एंड डाउनलोड स्मूथ चलता। नहीं हीट नहीं होता तो दैट साइंटिफिकली स्मूथ चलेगा। हाँ लगा दिया, हो गया। फिर से बैकअप ही हो रहा है। अभी इतना मिट्टी नहीं है ना, लास्ट टाइम ही क्लीन किया ना, उसके वजह से मिट्टी है ही नहीं।
अभी इजी हो गया लैपटॉप फट से खोल के फट से कुछ काम करना है तो मतलब हैबिट हो गया जैसे नया बना सकते पर लैपटॉप नहीं बना सकते सीपीयू बनाना पड़ेगा हो गया डन हाँ हाँ रुको पहले ये तो कनेक्ट करने दो फैन क्लीन कर दिया क्लीन ही है फैन हो गया फैन वो फर्क नहीं पड़ता उड़ने हो जाता है पता नहीं क्रॉस डालना लिखा था इधर लगाना है थर्मल पेस इधर लगाएंगे तो बंद हो जाता है मुंह एकदम मस्त नहीं हो जाएगी यहाँ लगाने से यहाँ से हीट वहाँ ट्रांसफर हो जाता है हीट वो हुआ उतर जाता है नहीं आप उतर नहीं ट्रांसफर हो जाता है आप में आ जाएगा तू भी इधर लगा देता नहीं नहीं मैं इधर लगा देती लगा ना रॉन फिर उसमें चला जाएगा हां ट्रांसफर हो जाएगा जो ज्यादा बोल रहा है उसके मुंह में चला जाएगा हो गया ना फैन का ये स्क्रूस नहीं पहले ये डाल देते हैं आगे लाओ पीस के आगे ले आओ आगे ले क्या हो अभी इसका स्क्रूस दो इसका जल्दी जल्दी दो कौन सा इसका स्क्रू कितना स्क्रू चाहिए दो वाला भी चाहिए हो गया फुल पैकअप तो हो गया अभी क्या लगता है थर्मल पेस्ट लगा के आपको डिफरेंस लगेगा नहीं लगेगा इनको कुछ टॉपिक नहीं मिलता तो जयश्री को पकड़ ब्रश किस लिए यूज करते हैं देख लीजिए आप ये ब्रश को देख के समझ जाइए कि ब्रश का कंडीशन देख लीजिए वेरी नाइस ये ब्रश नहीं करती खाती है ब्रश को खाती क्या क्या करती है तू बस इनको इनको टॉपिक चाहिए नहीं तो जयश्री जयश्री को पकड़ो तो नाम जयश्री का आएगा जयश्री ने बिगाड़ा जयश्री ने ये किया जयश्री ने ये खाया जयश्री ने ये किया ये ना वेस्ट है हम यूज करते हैं जो सिंक होता है वो अंदर से नहीं डैडी का मुंह डैडी का मुंह जो उसके काले व्हाइट बाल हो गए उसके काले बाल करने हैं उनके सबके लिए यूज करते हैं हम पता है जो दूसरों का चेहरा है उसके ऊपर ही गिरता है विश्वास मत कीजिए जो दूसरों का चेहरा है ना उसके ऊपर ही गिरता है पूरा झूठ आपने स्टार्ट किया था मैं तो चुपचाप बैठी देख रही थी पूरा झूठ बोल दिया ब्रश करती है कल ही ब्रश डिस्पोज किया बाहर इतने दिन से ऑपरेशन करती थी कोई आपको डाई इसी से मारती हूँ मैं मुंह से करती हूँ मुंह में करती हूँ पूरा ब्रश इसी से देख लो ब्रश के कंडीशन देख लो ब्रश करती नहीं है खाती है उसको मैं खाती हूँ जंगली जानवर मैं जंगली जानवर हूँ जंगली जानवर पता नहीं माँ इनको क्यों आपके पीछे इतना प्यार पता नहीं हाँ चीज में जयश्री आई एवरी टाइम आपको पकड़ना बस बस कैसे क्या जया ऐसे प्यासे कभी बोला है क्या 22 साल हो गए कभी प्यासे बोला ही नहीं लड़ाई करना हो तो राकेश गाजा को बुला दो खत्म जया हाँ मेरे सबसे बड़े दुश्मन कौन है इस दुनिया माँ वो दो स्क्रू दो सब झूठ बोलती है वो दो स्क्रू कहाँ पे पूरा झूठ बोलती वो स्टार गाइस आप ही देख लो पहले किसने छेड़ा मैंने छेड़ा के उन्होंने आप कमेंट करके मुझे बोलिए नहीं लाटो पकड़ क्या सोच रही है क्या नहीं, बोलना है नहीं तो फिर बस इनका लड़ाई स्टार्ट हो गया क्या तुम्हारा चेहरा क्या बता रही है कैमरा में तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ मैं क्या बोल रही मैं क्या बोलता हूँ आप जाओ किचन आप जाओ दुकान मैं जाता हूँ बाहर सबसे बेस्ट बकवास घटिया नहीं मैं अभी नया चाय बना के लेके आई थी मैं अच्छे से पी के चाय को लिट दे चाय को सो जाऊंगी नहीं पी के सो जाऊंगी बोल रही लिट दे नेहा के नाक के अंदर इंजेक्शन डाल रहा है बहुत गर्मी चढ़ी है उसके अंदर इसकी वजह से मिला मुझे इसने थोड़ा पूरा और बोलता मुझे इसके मुंह में डालना है कंबल लगाओ 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 फटफट से लगाओ यहाँ पे एक एक डालो यहाँ से स्टार्ट करो आंखें नहीं दिखता तुझे कहीं भी घुसा रही है स्क्रूज को तू जहाँ खड्डे है उसी में घुसाना है स्क्रू कहीं भी नहीं घुसाना है मुझे पता है क्या पता है देख रहा हूँ ना दिख रहा है इधर खड्डे इधर है तू इधर घुसा रही है पता है क्या पता है पता नहीं सब पता है आपको नहीं पता मुझे तो सब लगाओ खाली तेरा दांत दिखाती है तू बार बार बस इनको स्माइल करता भी नहीं आता कैमरा के सामने इनको बोलो स्माइल करने के लिए अभी देखो मैं बोलता देखो अभी करेगी नहीं स्माइल कर इधर इधर देख वी आर नॉट फोटोजेनिक फेसेस इसमें क्या है कैमरा के सामने स्माइल करना ही नहीं आता है इसमें क्या है फोटोजेनिक फेस नहीं है तो नहीं है ये देखो देखो टेंशन हो जाती है एक सेकंड मुझे कैमरा के सामने टेंशन हो जाती है इसलिए मैं कैमरे को देखती भी नहीं हूँ मैं बात भी नहीं कर सकती अटकने लग जाती हूँ वो सिर्फ इनको नहीं काफी लोग को ये प्रॉब्लम है हाँ मेरे को फियर है मैं वो कैमरा फियर होता है वो मुझे है मैं जब अभी अभी मुझे नहीं है तो मैं क्या करूँ बताओ मुझे है मैं अभी मुझे पता है
मुझे थोड़ा स्टेज फियर है, मुझे पता है, बोलती है बार बार तू, तुझे बात करना ही नहीं आता बराबर पहले। अभी चालू तो बात तो पहले सही ढंग से कर तू। वही मेरे को, मुझे अभी पता चल गया ना, मेरे सामने कैमरा है तो मैं बात नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? नहीं कर सकती तो करना, नहीं कर सकती तो करना करना बोल रहे। एक चपटा पड़ता तो बहुत बोलती है तू। वो तो मैं, मुझे पता है ना कैमरा नहीं है तो मैं बात कर, जब कैमरा माइंड में आता है तो अभी बात नहीं। ये देखो आप एनी टाइम देख लो, मम्मी से चिपकती रहती है, क्या पता नहीं इसको। ओके पैक अप, मेरे बच्चे जलते बाबा, जलते जलते हो गया लैपटॉप अभी रेडी, जले हुए स्मेल आ रहा मेरे पास, वो तो जलते ही है, जल लैपटॉप ऑन करेंगे जलकुड़ी। और इतना डस्ट मिट्टी आ गया होगा ना, मिट्टी। वो कपड़ा दो, कौन सा कपड़ा ले, वो था ना क्या है, कहाँ से आता है ये यहाँ से? अभी मैं एक एप्लीकेशन डाउनलोड करूंगा, एप्लीकेशन में एक वीडियो डाउनलोड करूंगा, हाई साइज का एक वीडियो डाउनलोड करके देखूंगा। अभी डाउनलोड अगर फास्ट हो जाता है तो काम हो गया, अगर अगर डाउनलोड फास्ट होके नहीं हुआ, सॉरी डाउनलोड फास्ट नहीं हुआ, देखो इनको भी बोलने नहीं आता, तो थर्मल पेस्ट लगाना भी वेस्ट हो गया। अभी पता चलेगा थोड़ी दूर में, अभी पता नहीं क्या, अभी ऑन करके क्या करेगा, कुछ फायदा नहीं। अभी मस्त फास्ट हो गया, हो गया। फैन ऑन नहीं हुआ ना अभी तक, अभी कहां थोड़ी देर में होगा फैन ऑन। फैन ऑन नहीं हुआ अभी तक, खराब कर दिया यार। हो तो गया, अभी अभी पता कैसे चलेगा ये फास्ट होता है नहीं होता है। पर थर्मल पेस्ट डालना तो आपको ऐसे ही डालना है, दिस इज द मेथड। हो गया गाइस, थर्मल पेस्ट थोड़ा ज्यादा डाल दिया मुझे लग रहा है, मुझे तो कम लग रहा है। थर्मल पेस्ट तो हो गया डन, हम लोग एडिट कर लेंगे इमेज को, वी आर प्रोफेशनल वीडियो एडिटर्स नाउ। ₹4 लाख छोड़ो, कोई बात नहीं, मैं इस लैपटॉप मैं कस्टम बिल्ड करूंगा मेरा लैपटॉप को, मेरा कंप्यूटर को। आई विल डू माय कस्टम बिल्ड, हम यूज करेंगे 4080 ग्राफिक्स और 4070 या 4090, बजट बिल्ड करेंगे गाइस। हो तो गया है, हम तो है जो पुराना है ना उसको रीयूज करते हैं, इधर इधर पूरा गरम हो जाता है, वही सबसे अच्छा है। अभी तो कुछ भी नहीं फील हो रहा है, अभी तो ऑन किया, अभी कैसे फील होगा क्या रोल, हम तो पुराने चीज को अच्छे से यूज करते हैं। ओके डन गाइस, आई गेस दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। ओ माय गॉड माय लेग्स, दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में, पर इसका रिव्यू नेक्स्ट वीडियो में देंगे, होंगे तो देंगे, नहीं तो विल सी। सो अभी के लिए बाय बाय।